केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विश्व हाथी दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री ने नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्रणाली का वन विभाग द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक ऑडिटोरियम दंडा कार्यालय का भी शुभारंभ किया। और इस अवसर पर वन मंत्री, रायपुर सांसद सहित विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की भागीदारी से किए गए प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि हाथियों के संरक्षण में भारत की अग्रणी भूमिका रही है, सुनिश्चित करने के लिए अंतर क्षेत्रीय जुड़ाव की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का हाथियों से बहुत पुराना नाता है और हमारे सर्वोच्च प्राथमिकता हाथी मानव द्वंद को रोकना है। इसके लिए राज्य सरकार लगातार जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रही है, अनेक नवाचार किए जा रहे हैं।